नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज मैं आपको टॉयलेट में ये कंबाइंड कमोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जॉनसन्स का ये जो है कंबाइंड कमोड है, तो अभी इसको मैं आज आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए मैं आपको इस टॉयलेट में ये जो कंबाइंड कमोड है इसको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आइए मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये लैट्रिन और बाथरूम दोनों अटैच है। ये वाला एरिया टॉयलेट का होता है, ये वाला एरिया जो है ये बाथरूम का है। कॉमन बाथरूम बनाया गया है, तीन टैप है, कंसील्ड है, ऊपर शावर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, ये टॉयलेट वाला है, देख सकते हैं कमोड का पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे ऊपर वाला फ्लशिंग का है, नीचे वाला जेट का है, और जेट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कंसील से जब कोई घुमाएगा तो पानी फेंकेगा। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, हेल्थ फ्यूसेट कनेक्ट होगा, टाइल्स वगैरह धोने के काम आएगा, ठीक है। तो कमोड का जो पॉइंट है वो अपना यहाँ पे है, जॉनसन्स का जो अपना कमोड है कंबाइंड वाला वो यहाँ पे है। ये जो पैकेट है इसमें दोस्तों कवर है इसका, चलिए कवर खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कवर अपना ये हो गया, फिटिंग करने वाला लॉक जो है ये वाला है, और टाइट करने के लिए जो नट बोल्ट है देखिए यहाँ पे है। कवर को कैसे टाइट किया जाता है, ये वाला बोल्ट है, ठीक है। जो नए प्लम्बर होते हैं उनको दिक्कत होता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसको फिट करना और ये कवर को भी फिट करना, जेट को लगाना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये वाला ब्रेकेट है कैसे यहाँ पे लगेगा कमोड में, ठीक है, देख सकते हैं ये ब्लैक वाला है। चलिए इसको मैं साइड रख दिया। उसके बाद देखिए कमोड अपना यहाँ पे, यहाँ पे ये इसका वारंटी कार्ड है कमोड का, कलर वगैरह जाता है तो फिर ये कंपनी बदल के देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये गैस किट है, इसके ऊपर कमोड को रख के फिक्स किया जाता है। और कमोड को टाइट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 इंच का लंबा स्क्रू दिया हुआ है, साथ में वाल प्लग भी है। देखिए कमोड जो है वो अब कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जॉनसन्स का है। ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये फ्लशिंग का है, और यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये इतना टॉयलेट है अपना। चलिए इसको मैं पलट के आपको पीछे वाला व्यू आपको दिखाता हूँ, नीचे वाला। अब देखिए यहाँ पे कमोड को मैं इस तरह से पलट दिया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये नीचे वाला व्यू इसका दिखाई दे रहा है। ये आउटलेट है, वेस्टेज जो भी कचरा होगा वो यहाँ से ड्रेन होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों इस कमोड में देख सकते हैं एक आउटलेट यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया है। अगर किसी किसी में दोनों ही खुला हुआ आता है, ये भी और ये भी, तो अगर आपको कैसे बंद करना है इसका भी वीडियो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये दोनों होल यहाँ पे खुला है तो उसको कैसे पैक किया जाता है। अभी यहाँ पे 2 आउटलेट है, अगर आपका जो कमोड का पॉइंट है ना वो पीछे है, आपने गलत बना दिया है, या फिर आपका कमोड का जो पॉइंट है टाइल्स लगाने के समय बाहर आ गया है वाल, तो भी ये कमोड लग जाएगा। देखिए 2 आउटलेट है, एक ये है एक ये है, इसको आप खोल सकते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट पीछे है तो, या फिर इसको आप पैक कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल सही है, मेजर करके मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे वाले वाल से। अभी यहाँ पे ये जो सरफेस दिख रहा है इससे 1 इंच पीछे लूँगा मैं। ये देखिए देखिए 240 यहाँ पे आ रहा है इसका सेंटर। चलिए कमोड में मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, वो भी 240 ही होगा। ये 240 हो गया, आइए ये देखिए पीछे वाले वाल से इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी यहाँ पे कितना आ रहा है इसका सेंटर, 250 आ रहा है, 250 mm, ठीक है। तो प्रॉपर ये बिल्कुल सही है, एकदम फिट हो जाएगा आसानी से। तो अब दोस्तों देखिए कमोड को फिट करने के लिए पाइप को कितना कट करना है वो आप समझिए, क्योंकि अभी मैं दिखाया हूँ पॉइंट दोस्तों वहाँ पे 2 इंच ऊपर है टाइल्स वाले फ्लोर से, ठीक है। तो कितना कट करना है देखिए, कैसे मेजर करना है आपको वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ब्लेड को लगा लिया, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ सरफेस चेक करने के लिए, कि ये जो साइड वाला सरफेस है ना, इससे ये पॉइंट कितना अंदर है या फिर कितना उभरा हुआ है बाहर है। तो अभी ये बिल्कुल दोस्तों ना बाहर है और ना ही अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लेड रख रहा हूँ तो ये इस सरफेस से टच होता हुआ ये यहाँ तक आके टकरा रहा है, तो ये जो कमोड का सरफेस है ना और ये आउटलेट का बिल्कुल बराबर है। तो अभी क्या करना होगा, जो पाइप है ना, पाइप को दोस्तों हमें क्या करना है, टाइल्स के लेवल तक कट करना है, टाइल्स के फर्श तक बिल्कुल एकदम कट करना है। क्योंकि देखिए अभी ये कितना अंदर जा रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है दोस्तों 2 इंच, अपना 2 इंच जा रहा है, ठीक है, 2 इंच ये पाइप के अंदर पुश होगा तो वो कवर करेगा। देखिए यहाँ पे ये जो गार्ड है ना, ये वाला,
तो अभी क्या करना होगा, जो पाइप है ना, पाइप को टाइल्स के लेवल तक बिल्कुल कट करेंगे वेस्टेज वाला, क्योंकि 1.5 इंच अपना यही है, 1.25 इंच है। तो जब पाइप को टाइल्स के लेवल तक कट करेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे, तो देखिए ये उभर के आ रहा है 1.5 इंच, देखिए 1.5 इंच अपना ये आ रहा है, तो कमोड बिल्कुल आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। कई बार मैं देखा हूँ कई प्लम्बर लोग क्या करते हैं, पाइप के ऊपर ही कमोड को रखते हैं, ठीक है, ये पाइप को बड़ा रखेंगे, इतना बड़ा जितना मैं रखा हूँ, और इसी पे कमोड को रखेंगे, ये गैसकेट को निकाल देते हैं, यहाँ पे नीचे व्हाइट सीमेंट लगा देते हैं, तो वो गलत तरीका होता है। परफेक्ट तरीका इसका ये है, अभी आपको जो मैं कमोड का पॉइंट दिखाया हूँ, सरफेस अगर लेवल है तो इसको इसके लेवल में कट करेंगे, या फिर अंदर है पॉइंट, अगर अंदर जाता है वेस्टेज वाला तो इसको ऊपर रखेंगे थोड़ा सा। तो अभी चलिए अब इसको कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पाइप को हमने कट कर लिया, ठीक है, पाइप को मैं कट कर लिया हूँ। गैस फिट देखिए यहाँ पे है, इसके ऊपर ये पेपर का फिल्म है लगा है, इसको निकालेंगे, देखिए इसको निकाल लेना है। अब इसको या तो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, या फिर इसको आप कमोड का जो आउटलेट है उसमें चिपका लेंगे। सबसे आसान जो तरीका है ना, वो कमोड का जो आउटलेट है उसमें आप चिपका लीजिए इस तरह से, उसके बाद कमोड को ला के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का व्हाइट सीमेंट वगैरह नहीं लगाना है, ये प्रॉपर तरीका है। ये जो कमोड है ना, कोई भी कमोड हो, गैस किट आप लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए कमोड को उठा के यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब देखिए कमोड दोस्तों मैं उठा लाया यहाँ पे बाथरूम में, गैस किट ये है, अभी गैस किट को मैं यहीं पे लगाऊंगा नीचे, देखिए देखिए इसको यहाँ पे आपको लगाना है, देखिए इसको लगा लिया गैस किट को। अब इसको उठा के कमोड का जो ये पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए इस तरह से हाथ से एडजस्ट कर लेना आपको वाशर, देखिए कमोड को अब हमने रख दिया है, इसी तरह से पॉइंट बना रहा है, ताकि जो है देखिए ये जो कमोड है ना, ये जो पीछे वाला वाल दिख रहा है बिल्कुल इससे टच होना चाहिए। अभी देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है। कई बार कमोड को प्लम्बर्स लोग आगे बनाते हैं तो यहाँ पे गैप आता है, काफी गंदा दिखता है, यहाँ पे सब जो मकड़े का जाल वगैरह लग जाता है, जो कि काफी गंदा दिखता है, तो ये बिल्कुल टच होना चाहिए। अभी इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब ये आपको टेस्ट करना है कि ये सही तरीके से रखा गया है कि नहीं रखा गया है। अब ये चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पानी डालना है, पानी डाल के चेक करना है, लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर मार्किंग करेंगे, और अगर लीकेज आ जाता है तो फिर इसको दोबारा सेट करेंगे। चलिए यहाँ पे पानी डालता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें दोस्तों ये 8 लीटर पानी है, यहाँ पे पूरा मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए पानी डाल दिया। अब यहाँ पे दोस्तों साइड साइड से देखेंगे पानी लीक कर रहा है कि नहीं लीक कर रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो भी पानी मैं डाला था ना, कहीं भी लीकेज नहीं है, एक बूंद लीकेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हल्का फुल्का पानी गिरा है ये पहले का पानी है, क्योंकि यहाँ पे सब टैप लगा दिया हूँ मैं, देख सकते हैं टैप वगैरह सब लग गया, तो इसका पानी है ये। तो अभी यहाँ पे दोस्तों जो मैं पानी डाला हूँ लीकेज नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको मार्किंग कर लेंगे, कमोड को साइड मार्किंग करेंगे, उसके बाद कमोड को फिक्स करने वाला भी मार्किंग यहाँ पे करेंगे। साइड मार्किंग दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका, जब आप दोबारा कमोड को हटाने के बाद आप रखोगे तो, ठीक है, इसलिए इसको साइड मार्किंग करेंगे, और फिक्स करने के लिए यानी कि होल्ड करने के लिए भी मार्किंग करेंगे साथ में। अब देखिए दोस्तों कमोड को हटाने के बाद देखिए मार्किंग मेरा यहाँ पे दिख रहा है, साइड मार्किंग मेरा ये वाला है जो आप देख रहे हैं, देखिए। अब इसी को मिला के कमोड को दोबारा हम रखेंगे यहाँ पे, और जो होल करने वाला मार्किंग है दोस्तों वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे होल करना है। अब देखिए मार्किंग दोस्तों मेरा यहाँ पे है, गलत हो गया था इसलिए इसको मैं सही किया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये सबका मार्किंग गलत नहीं होना चाहिए। और अभी इसको टाइट करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 इंच का स्क्रू है ये, तो थोड़ा सा लंबा होल करेंगे, आप देख सकते हैं इतना लंबा बीट है मेरे पास, देखिए ये वाला लंबा बीट है 6 mm का, अभी इससे होल करूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों होल को कर लिया मैं, देखिए अब यहाँ पे वाल प्लग लगाएंगे, देखिए प्रॉपर होल हुआ है। और ध्यान रहे होल को ज़्यादा आपको फैलाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉपर टाइट नहीं होगा। देखिए कमोड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है ऐसे ही, तो ये जो स्क्रू है ना ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, एक सहारा के लिए लगाया जाता है, बाकी ये कमोड का लोड ऐसे ही ज़्यादा होता है तो ये सीधा यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब होल मैंने कर लिया, अब कमोड को फिर यहाँ पे उठा के रखेंगे, साथ में ये गैस किट को यहाँ पे आपको रख लेना है, ठीक है।
एक बार जब यहाँ पे ये पानी के संपर्क में आ जाता है ना, तो फिर ये चिपकेगा नहीं, वो जो चीनी मिट्टी का आउटलेट है कमोड में, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं रख रहा हूँ। अब इसके ऊपर कमोड को उठा के रखेंगे। अब देखिए साइड मार्किंग मिला के रखेंगे। साइड मार्किंग जो है दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब आप दोबारा रख रहे हो तो। बस सही है। तो अब दोस्तों देखिए कमोड को वापस मैं उसी जगह पे रख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब फिर इसमें वापस पानी डाल के चेक करना है, लीकेज चेक करना है। अगर लीकेज होता है तो फिर इसको दोबारा सेट करेंगे, और अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे। देखिए फिर से वापस मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ इसमें। देखिए डाल दिया, साइड वाला लीकेज जो है चेक करेंगे, साइड में लीकेज नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। देखिए इस तरह से साफ करके आपको देख लेना है, कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए अगर ये लीक हो गया ना तो फिर पानी आएगा और हल्का हल्का यहाँ काफी ज्यादा गंदा दिखेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मक्खियां आके बैठेंगी, बहुत गंदा दिखेगा, टॉयलेट स्मेल भी करेगा, इसलिए ध्यान रखिए गैस्किट को आप जरूर लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब कमोड के पीछे जो स्क्रू दिया हुआ है ना 4 इंच वाला, उसको लगा के उसको टाइट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना इसको ग्राउटिंग कर देंगे। पीछे स्पेस काफी ज्यादा कम होता है, तो ऐसे में देखिए ये स्क्रू है, देखिए ये स्क्रू है 4 इंच का है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये टाइट करने का जगह नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लंबा स्क्रू ड्राइवर नहीं लगेगा, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर से आपको टाइट करना होगा, यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा कम है। तो अभी स्क्रू को यहाँ पे लगा लेंगे, एक सपोर्ट के लिए होता है ये स्क्रू दोस्तों। अब देखिए कमोड को मैं टाइट कर दिया हूँ, पीछे जो स्क्रू है ना उसको मैं टाइट कर दिया। बहुत दिक्कत होता है जो पीछे टाइट करने वाला दिया होता है, और किसी किसी में जब यहाँ पे साइड में दिया होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इसको टाइट करना, ठीक है। तो अभी इसको मैं टाइट कर दिया हूँ, और ग्राउटिंग भी कर दिया मैं नीचे से, ठीक है, ताकि जो हल्का फुल्का जो यहाँ पे फर्स का गैपिंग आता है वो कवर हो जाता है। अगर यह ग्राउटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे कचरा इकट्ठा होगा, गंदा दिखेगा। ग्राउटिंग कर दिया, अब यहाँ पे दोस्तों मैं कवर को लगाना, जेट को लगाना आपको सिखाता हूँ।